अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल जो कि है फाइल परमिशन के ऊपर। ओके, तो टर्मिनल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब फाइल परमिशन के बारे में हमने कल देखे थे कि जो अगर हमको देखने के हम जिस फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं, ओके, उस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर से दूसरे और जितनी फाइल्स हैं, तो वो फाइल को कौन से यूज़र को कितनी परमिशन दी गई है उसके लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के फोल्डर पर आ जाते हैं। सीडी कमांड से हम लोग आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप का हमारा फोल्डर हमारे डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई है। अब मुझे देखना है कि डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके अंदर दूसरी जितनी फाइल्स हैं हमारी, वो फाइल्स और जितने फोल्डर्स है वो फोल्डर्स की डिटेल देखनी है मुझे। कि जो तीन यूजर्स होते हैं हमारे, एक तो होता है मेन यूजर, उसके बाद होता है ग्रुप यूजर्स और लास्ट में आता है अदर यूजर। ओके, तो उसके लिए हम लोग जो कमांड का यूज करेंगे वो होगा एलएस कमांड, उसके साथ माइनस एल का ऑप्शन, उसका एंटर मारेंगे यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जितनी फाइल्स है डेस्कटॉप फोल्डर में वो सब फाइल्स के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दिए देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक फोल्डर का नाम है। ओके, तो जो फोल्डर में होगा जो डिरेक्टरी होगी उसका ब्लू कलर आएगा, बाकी का ग्रीन कलर आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी आपको फाइल की परमिशंस। तो हमने कल देखे थे वीडियो में कि यहाँ पे डैश है स्टार्टिंग में, जिसका मतलब क्या है कि ये एक फाइल को इंडिकेट करेगा। ओके, और यहाँ पे डी लिखा हुआ होगा तो वो फोल्डर के लिए, डायरेक्टरी के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स का जो है वो एक फोल्डर है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। जहाँ पे डैश है तो वो एक फाइल के बारे में है, जहाँ पे डी है वो डायरेक्टरी के बारे में आएगा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे टोटल 9 कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। तो पहले 3 जो है वो है मेन यूजर के लिए, ओनर के लिए जिसको कहेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम ले लेते हैं फाइल फाइल 1.java। ओके, इस फाइल को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ क्या लिखा है, पहला जो 3 कैरेक्टर है वो है ओनर के लिए, तो उसको आर डब्ल्यू और एक्स, यानी कि रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए तीनों परमिशन उसको अलोकेट की गई है। उसके बाद जो 3 है तो वो होते हैं ग्रुप यूजर्स के लिए, उसके लिए आर और डैश डैश लिखा हुआ है। ओके, आर और डैश डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप यूजर्स को सिर्फ फाइल को पढ़ने की परमिशन दी गई है। फाइल में कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो परमिशन नहीं है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी नहीं है। और जो लास्ट में 3 है वो किसके लिए, वो अदर यूजर्स के लिए, जहाँ पे तीनों में डैश लिखा हुआ है। और मतलब क्या है इसका, मतलब कि जो अदर यूजर्स है उनको फाइल देखने की परमिशन भी नहीं है, उसमें राइटिंग करने की परमिशन भी नहीं है और उसको एग्जीक्यूट करने की भी परमिशन नहीं है। और यहाँ पे उसके साथ साथ यूजर का नाम दिखाएगा, और यहाँ पे उस फाइल की साइज बाइट के अंदर, जैसे कि 122, फाइल 1.java है हमारी, जो उसकी 122 बाइट की साइज है, वो तो कब बनाई गई थी, December 1, 9:06 पर। ओके, तो उसका टाइम दिखाएगा, उसकी डेट दिखाएगा, कौन सी डेट को कौन से टाइम पे वो फाइल बनाई गई थी। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, के फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि जो हमारा फाइल 1.java है उसमें ग्रुप यूजर्स जो होते हैं उनके लिए ओनली रीडिंग की परमिशन दी गई है। ओके, तो हमको क्या करना है, पहले उसको राइटिंग की परमिशन हम लोग देंगे। तो राइटिंग की परमिशन देने के लिए हमको क्या करना है, हमारा जो कमांड है फाइल परमिशन चेंज करने के लिए, तो वो है chmod, chmod। ओके, chmod कमांड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है टोटल, के हम अगर परमिशन देनी है और परमिशन जो है वो रिटर्न लेनी है हमको। जैसे कि अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइल 1.java के ऊपर, कि जो हमारी ग्रुप यूजर्स के लिए जो परमिशन है उसमें रीडिंग की परमिशन दी हमने, राइटिंग की उसको अलोकेट करनी है, असाइन करनी है हमको। ओके, तो असाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले अब अगर हम लोग पहले ओनर को देंगे ये चीज, मतलब जो मेन यूजर्स है उसको, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यू का यूज करेंगे। ओके, अगर ग्रुप यूजर्स को देने तो उसके लिए जी का यूज करेंगे, और अदर यूजर्स को देने तो हम ओ का यूज करेंगे। क्लियर है इतना, जो मेन यूजर्स है ओनर उसके लिए यू, ग्रुप यूजर्स के लिए जी, और अदर यूजर के लिए क्या आएगा यहाँ पे ओ। अभी हमको किसको देनी है परमिशन, तो हमको ग्रुप यूजर्स को देनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जी लिखेंगे। अब क्या करना है हमको, परमिशन अलाउ करनी है, अलोकेट करनी है, तो यहाँ पे प्लस की साइन हमको यूज करनी है। ओके, अब जो परमिशन हमको अलाउ करनी है, जैसे कि हमको राइटिंग की परमिशन देनी है, तो राइटिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डब्ल्यू का। ओके, तो यहाँ पे डब्ल्यू कीबोर्ड से प्रेस करना है हमको, समझ में आ रहा है इतना, डब्ल्यू कीबोर्ड से प्रेस करना है। उसके बाद स्पेस देने के बाद उस फाइल का नाम, जिस फाइल के ऊपर हमको परमिशन देनी है, जैसे फाइल 1.java है हमारी, तो फाइल 1
java, ओके दोबारा देखेंगे कि जो फाइल परमिशन चेंज करनी है, हमको परमिशन देनी है या परमिशन वापस लेनी है उससे, तो उसके लिए हम लोग सी एच मोड, CHMOD इस कमांड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। उसके बाद जो जिस यूजर को हमको परमिशन देनी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, जी लिखेंगे या यू लिखेंगे या तो फिर ओ लिखेंगे, ओके। अगर हमको परमिशन अलाउ करनी है उसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ग्रुप यूजर्स के लिए तो जी लिखेंगे उसके लिए, ओके। परमिशन देनी है तो प्लस की साइन आएगी और डब्ल्यू मतलब राइटिंग की, ओके। अगर हमको राइटिंग की परमिशन उससे लेनी होती तो हम यहाँ पे माइनस की साइन लिखते, ओके। माइनस से क्या होगा, परमिशन ले लेगा, प्लस से वो परमिशन अलाउ करेगा। उसके बाद उस फाइल का नाम, यानी कि जिस फाइल के ऊपर हमको परमिशन देनी है उसको, उस फाइल का नाम जैसा यहाँ पे लिखा होगा वैसे ही लिखना है। आप ओनली फाइल वन लिखोगे, डॉट जावा नहीं लगाओगे, तो वो फाइल क्या करेगा शो, मतलब वो ऐसे एरर शो करेगा कि ऐसी कोई फाइल हमारे फोल्डर में नहीं है अभी। तो फाइल का नाम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा नाम सेम आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। अब एंटर मारेंगे हम लोग तो आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो गया है, ओके। यहाँ राइट की साइन आ गई है। अब दोबारा हम लोग एल एस माइनस एल का यूज करके देखेंगे कि एल एस माइनस एल से यहाँ फाइल वन डॉट जावा में जो परमिशन थी हमारी ग्रुप यूजर्स के लिए क्या था, वहाँ पे डैश था, डब्ल्यू नहीं था। अब देखेंगे यहाँ पे तो फाइल वन डॉट जावा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे उसको राइटिंग की परमिशन अलाउ हो गई, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा है, ओके। जबकि पहले क्या था, यहाँ पे पहले डैश था, उसको परमिशन अलाउ नहीं थी। अब उसके बाद हमने क्या किया, सी एच मोड कमांड का यूज करके ग्रुप यूजर्स के लिए हमने परमिशन दे दिए राइटिंग की। इसका मतलब क्या होगा, अब ग्रुप यूजर्स जो होंगे वो फाइल वन डॉट जावा में चेंजेस भी कर सकते हैं, ओके, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं उसमें। तो ये हो गया परमिशन अलाउ करना, ओके। अब लेते हैं हम लोग इससे परमिशन ले लेते, जैसे कि हमने आर की, सॉरी रीडिंग की और राइटिंग की परमिशन उसको अलाउ की है, ओके। एग्जीक्यूशन की नहीं की है, तो रीडिंग और राइटिंग की जो परमिशन हमने दी है उसको, वो परमिशन हमको उससे दोबारा वापस ले लेनी है, ओके। तो उसके लिए भी हम लोग सी एच मोड कमांड का यूज करेंगे, CHMOD, सी एच मोड। उसके बाद हमको किसको देनी है या किससे लेनी है, तो ग्रुप यूजर्स, तो उसके लिए जी। अब क्या करना है, परमिशन हमको दोबारा ले लेनी है उससे, तो यहाँ पे लेने के लिए माइनस की साइन, ओके। और राइटिंग के लिए आर, सॉरी रीडिंग के लिए आर और राइटिंग के लिए डब्ल्यू। जैसी परमिशन आपको देनी है या लेनी है उससे, उसके हिसाब से यहाँ पे रीडिंग के लिए आर, राइटिंग के लिए डब्ल्यू और एग्जीक्यूशन के लिए एक्स आएगा यहाँ पे, ओके। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रुप यूजर्स है उनसे परमिशन लेनी है रीडिंग की और राइटिंग की, ओके। अब किस फाइल पे से लेनी है हमको, तो उस फाइल का नाम यहाँ पे फाइल वन डॉट जावा। कमांड का नाम सेम रहेगा, कमांड एक ही यूज करना है हमको, सी एच मोड। ये सब उसके अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ओके। चाहे जी हो, ओ हो या यू हो, उसके हिसाब से हम यहाँ पे परमिशन देनी है या लेनी है उसके हिसाब से यहाँ पे सिंबल आएगा प्लस या माइनस का, और जो परमिशन हमको देनी है या लेनी है उसका नाम यहाँ पे, रीडिंग के लिए आर, राइटिंग के लिए डब्ल्यू, एग्जीक्यूशन के लिए एक्स, ओके। और जिस फाइल के ऊपर देनी है हमको, उस फाइल का नाम फाइल वन डॉट जावा। अब एंटर मारेंगे, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, ओके। राइट की साइन आ रही है यहाँ पे। अब दोबारा देखेंगे एल एस माइनस एल कमांड का यूज करके, तो वो परमिशन जो हमने उससे ली है उसका इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। अब देखेंगे फाइल वन डॉट जावा, फाइल वन डॉट जावा में आप देख सकते हो अब यहाँ पे कि जो ग्रुप यूजर्स के लिए जो रीडिंग और राइटिंग की परमिशन यहाँ पे अलाउ थी ऊपर, ओके, वो यहाँ से हट गई है। हमने सी एच मोड कमांड का यूज करके क्या किया है, वो परमिशन उससे वापस ले ली है, ओके। तो ये होता है सी एच मोड कमांड फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल एस माइनस एल का जब यूज करोगे तो उस फोल्डर में जितनी दूसरी फाइल्स है वो सब फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा उस परमिशन के, कौन से यूजर को कितनी परमिशन दी गई है। यहाँ टोटल 10 कैरेक्टर आपको दिखेंगे, ओके। स्टार्टिंग होगी डैश, उसके बाद जो 9 बचेंगे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ओके। तो पहला जो डैश है वो किसके लिए है, वो या तो फाइल के लिए होगा या तो फिर डायरेक्टरी के लिए होगा। अब वो पता कैसे चलेगा कि फाइल के लिए है या डायरेक्टरी के लिए, तो स्टार्टिंग में अगर डैश है तो वो है फाइल के लिए, और स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ है तो वो है फोल्डर के लिए, मतलब डायरेक्टरी के लिए, ओके। उसके बाद जो 9 बचेंगे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला जो हिस्सा होगा वो होगा मेन यूजर के लिए, मतलब ओनर के लिए। तो ओनर को जितनी परमिशन दी होगी यहाँ पे, वो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आर डब्ल्यू एक्स, ओके। इसका मतलब रीडिंग की, राइटिंग की, एग्जीक्यूशन की तीनों परमिशन ओनर को दे दी गई है। उसके बाद जो 3 है वो किसके लिए है, वो ग्रुप यूजर्स के लिए। तो वहाँ पे तीनों में डैश डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप यूजर को कोई भी परमिशन अलोकेट नहीं है, रीडिंग की भी नहीं, राइटिंग की भी नहीं और एग्जीक्यूशन की भी नहीं।
और जो लास्ट में 3 बचेंगे वो है अदर यूजर के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि तो उसको भी रीडिंग की परमिशन भी नहीं है, राइटिंग की भी नहीं है और एग्जीक्यूशन की भी नहीं है। फाइल की परमिशन हमको किसी को देनी है या किसी के पास परमिशन है उसको दोबारा लेनी है हमको, तो हम सी एच मोड कमांड का यूज करेंगे। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए फाइल परमिशन एटले के फाइल परवानगी बदलवा माटे कया कमांड नो उपयोग थाय, तो सी एच मोड। स्पेलिंग देख लेना खास, MODEE नहीं आएगा लास्ट में, CHMOD, सी एच मोड कमांड का यूज करेंगे हम लोग। अब जिस यूजर को हमको परमिशन देनी है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में, ओके। अगर हमको मेन यूजर है जो हमारा ओनर, उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, उसके लिए यू आएगा स्टार्टिंग में, और जो ग्रुप यूजर्स है उसके लिए जी हमने लिखा है यहाँ पे, और जो अदर यूजर्स होंगे उनके लिए ओ आएगा, ओके। हमने क्या किया, फाइल वन डॉट जावा के ऊपर ग्रुप यूजर्स जो है उनको राइटिंग की परमिशन हमको देनी थी, ओके। राइटिंग की परमिशन देने के लिए ग्रुप यूजर्स के लिए जी परमिशन देनी है तो प्लस की साइन, और जो परमिशन देनी है उसका नाम शॉर्ट में, जैसे राइटिंग देनी है तो राइटिंग के लिए डब्ल्यू, ओके। तो जी प्लस डब्ल्यू स्पेस देने के बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही सेम आपको लिखना है, फाइल वन डॉट जावा, और एंटर मारोगे आप तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे उसका, ओके। राइट की साइन आ जाएगी। अब दोबारा देखना है कि कमांड का आउटपुट जो आया है तो उसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका परमिशन जो हमने दी है वो अलोकेट हुई है उसको, तो ls -l कमांड का यूज करेंगे हम लोग, और देख सकते हो फाइल वन डॉट जावा के ऊपर कि राइटिंग की परमिशन उसको अलोकेट हो गई, ओके। अब परमिशन हमको दोबारा लेनी है उससे, कि जो हम परमिशन हमने दी है रीडिंग और राइटिंग की वो उससे वापस ले लेनी है, तो सी एच मोड कमांड का यूज करके हम लोग ग्रुप यूजर्स के लिए परमिशन लेनी है, तो यहाँ पे माइनस की साइन, ओके। परमिशन उससे वापस खींचनी है हमको, वापस लेनी है तो उसके लिए माइनस की साइन और आर और डब्ल्यू, यानी कि रीडिंग और राइटिंग, और स्पेस देने के बाद फाइल का नाम जैसा हमने ऊपर दिया था वो। कमांड एग्जीक्यूट हो गया, उसका आउटपुट देखेंगे अब, तो ls -l कमांड का यूज करेंगे दोबारा, और आप देख सकते हो फाइल वन डॉट जावा जो है वो अब क्या हो गई है, उसको ग्रुप यूजर्स के लिए परमिशन वहां से ले ली गई, ओके। और क्लियर कमांड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, तो आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो गई, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और आपको जो PDF फाइल्स दी गई है उसकी थियोरी आपको बुक में लिख लेनी है कंप्लीट, और आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में प्रैक्टिकली थियोरिकली तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फोन के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मैसेज छोड़ सकते हो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।